कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग उदयपुरी ब्लॉग में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पर गरम कमल को कैसे लगाएं। गरम कमल को लगाने के लिए हमें जो सॉइल तैयार करनी है उसमें दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग वर्मी कंपोस्ट मिलाकर गमले को तैयार कर देंगे। फिर हम किसी प्लांट में से एक लीफ को लेंगे और उसे सॉइल के अंदर दबा देंगे। हम देखेंगे इसमें कुछ दिन बाद लीफ में से लीफ निकलने लग जाती है। इस प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम इसे ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधा खराब हो जाता है, इसलिए जब इसमें पानी सूख जाए तभी हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें साल में एक बार फ्लावर आते हैं। इसमें जून से सितंबर तक फ्लावर आने का सीजन होता है। ज़्यादा देखभाल करने से हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा समय तक या जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर कुछ ज़्यादा समय तक फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। अगर गर्म जगह में आप रहते हैं तो इसे धूप में रखने से परहेज करें, और अगर ठंडी जगह है तो इसे एक दो घंटे की धूप जरूर लगाएं। हमारे गरम कमल के प्लांट में देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। हमने गरम कमल के फ्लावर के शुरू दिन से वीडियो बनाई है, देखिए आप किस तरह से ये बहुत दिनों में धीरे धीरे बढ़ता है। कहा जाता है गरम कमल का फ्लावर जब खिलता है तो उसे जो कोई भी मनोकामना हमारे चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।